लाए भाई देसी घी वाली। आज खाने का मन नहीं हो रही है जलेबी खाने की, पर मैं खा लूं। तो मेरी बीबी को तो क्रेविंग होती है। लो गिरा दिया कपड़े। ये देखो क्रेविंग, मतलब खोल के खिलाने के भी होता है। प्लेट में भी नहीं निकाला गया है। लड़की हो तो प्लीज बताना, लड़की मिल जाएगी मुझे, भाभी मिल जाएगी है ना साक्षी, मेरे ब्रदर की दुल्हन मिल जाएगी। अरे हमारा करोड़ों रुपया ये सही किया आप तुम लोगों ने। नहीं होता बताया क्यों नहीं, तुम समोसा लाई हो? यस जलेबी भी, और पता है जलेबी देख के लैपटॉप पे मत बैठ जाना मेरे। देसी घी वाली लाए भाई, देसी घी वाली। आज खाने का मन नहीं हो रही है जलेबी खाने की, पर मैं खा लूं। तो मेरी बीबी को तो क्रेविंग होती है, मेरी बीबी को क्रेविंग थी तो उसके लिए लाया हूं मैं। चले आपकी बीबी को क्रेविंग हो रही है तो मैं साथ ही चलूंगी। तो किसी को क्या पता ये आयरन को जाने, जाओ चाय बना के लाओ। तो आयरन तुम कर रही हो क्या प्राची? मैं नहीं कर रही आयरन, मैं क्यों करूंगी आयरन, मैंने सारा काम किया। मैं पति लो गिरा दिया कपड़े। दीक्षित लेटने से पहले मैं सब कर रही थी। क्या कर दिया? क्या हो गया, क्या कह दिया? क्या हो तुम? कौन सी नजर लग गई? वो क्या बोले, उसका वर्ड सुना करो तुम यार। अरे यार ये देखो क्रेविंग, मतलब खोल के खिलाने के भी होता है। प्लेट में भी नहीं निकाला गया है। वो जो प्लेट लेके आओ, ये ले आओ। लो तुम निकालो, मैं निकाल के ला दूंगी बेटा तुम्हें। ये क्या बेकार निकली क्या शर्ट? क्वालिटी ऐसी आई हुई है कपड़े की इसकी। आओ भैया, मैंने बोला था ना उसमें मैं कंप्लेन कर दी। ये प्राची ने चाशनी गिरा दी तुम्हारे सोफा पे। मैं तो सोफे की कवर बर्बाद करती है, खरीद कर हेलो। मैं YouTube से कंप्लेन कर। क्या कंप्लेन करनी है? इसको मतलब मेरे भाई शादी के लायक है, इससे बड़ा वाला और भी ज्यादा सुंदर है, वो भी शादी के लायक है। कोई लायक है, कोई अच्छी लड़की हो तो प्लीज बताना। लड़की मिल जाएगी मुझे, भाभी मिल जाएगी है ना साक्षी, मेरे ब्रदर की दुल्हन मिल जाएगी। हो सकता है अच्छी मिल जाए, ज्यादा अच्छी मिल जाए। खाना दे रही है, वर्कआउट चल रहा है अभी। आप ठंडी हो गई। भैया चाय का पानी रख दिया मैंने। तभी तुम यहाँ रहने आ गए। भाग के आया हूँ भाई, बचाया गया है मुझे, रेस्क्यू कराई गया है मेरे। मुझे कोई गलती नहीं, वो घर पे वो ऑफिस जाते थे, फिर ये मुझे मारती नहीं। और क्या क्या करवाती थी? में बंद कर दी थी नहीं मुझे, उससे तेजाब दाल डाल के सब साफ कराया जाता था, मेरे हाथ कट गए थे। ये उल्टा बोल रहा है, ये उल्टा सब कुछ मेरे से कराता था। घर किसका किसका घर है? दूसरा घर सब करा सकता है, उससे मतलब नहीं होता है। ये आप देख रहे हैं इसकी हेल्थ, ये उल्टा मेरे को उल्टा कर रहा है। मेरे पेट में सिरिंज समोसा ने भोके, समोसा कौन लाया है? मेरे पेट में लोगों ने देखो सिरिंज भोका है, वो नर्स ने भोका है। अब नहीं दे रहा ये नर्स ही तो है, ये भोका है। इन्होंने डॉक्टरी पढ़ी है, किडनी निकाली इन्होंने मेरी और बेच दी। अब वो फिर अपना अलग एंगल ले आएंगे। पूछा क्या? अरे ऐसे पूछ रहे हो, हमारे यहाँ बना देख रही है रिकॉर्डिंग करने के लिए। पूछा गया कि तू प्रूफ कर दे तुम की देखो यहाँ भी खाना नहीं मिलता है। क्या सुबह पराठे नहीं खाए इतने सारे बेटी? वो भी एक तीन तीन टाइम का खाना खा रहा है वो यहाँ पे, पता है छह ढाई बारह रोटी खा।
मुझे लगता है कि इन्होंने नहीं आया। अच्छा नहीं। ये वाला है इसमें साइड वाला कैसा? और ऐसे वो जो अंदर वाले अपने बेडरूम में जो टीवी लगी है ना, तो सैमसंग है ना, दोनों की ब्रांड एक है तो वो उसी तरीके तो आती है। लाओ 200 रुपए का तुम मंगा के दिखा दो, 1 किलो। पहले मैंने भी लिया भाई, 2 किलो लिए मैंने 300 रुपए की। व्हाट्सएप पे पहले वो चलते थे ना, लिंक वगैरह भेजते थे लोग और चीजें मंगाते थे, उसी से तो मंगाया था हम लोगों ने। ऑनलाइन मिल जाती थी पहले तो, अब पता नहीं ऑनलाइन मिल रही है। ऑनलाइन कुछ भी 500 रुपए का है, मैंने सही बोला 5-600 का। यस सही है, मतलब गर्मी भी नहीं लगे, ढीला ढीला भी। लेकिन अभी इतनी गर्मी भी नहीं आई है साक्षी, जो तुम ये ड्रेसेस पहन रहे हो। फील हो रहा है, मैं तो नाइट सूट में हूँ। ये देखो यू गाइस, मैं नाइट सूट पहने हूँ और ये यहाँ पे चेक बुक इज लाइक अ टास्क यू नो, जैसे बक्से से निकालना पड़ता है टाइम। बक्सा संदूक के अंदर, संदूक के अंदर, संदूक के अंदर, संदूक संदूक तो है भी नहीं यहाँ, संदूक तो बंडा ही है। लगा दी थी उसी में जल गई चेकबुक का, बताओ क्या करें। तो क्या अकाउंट थोड़ी जल गया, अकाउंट नंबर भी जल गया। अब ये दुनिया की हवा जला देती है। अकाउंट नंबर भी जल गया क्या? मैं यानी कैसी बातें कर रही हूँ, चेकबुक जल गई। हम बात नहीं करेंगे, सबके सामने बताएंगे। अरे हमारा करोड़ों रुपया आ रहा है यार, तुम चेकबुक मांग ले रहे हो। तुमने बात सही कही है।